तो कई महीने की कवायद के बाद आखिरकार भाजपा ने छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदल ही दिया। पार्टी ने दो बार पहले भी प्रदेश में पार्टी की कमान संभाल चुके और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रह चुके विष्णुदेव साय पर भरोसा किया है। विष्णुदेव साय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के करीबी माने जाते हैं और आरएसएस के साथ संगठन के लोगों में भी उनकी गहरी पैठ है। ये रिपोर्ट देखिए। सत्ता, संगठन, शीर्ष नेतृत्व और आरएसएस के करीबी, मिलनसार और सौम्य स्वभाव, आदिवासी चेहरा और विवादों से दूर, ये वो खासियत हैं जिनकी वजह से विष्णुदेव साय के हाथों तीसरी बार छत्तीसगढ़ भाजपा की कमान सौंपी गई है। आदिवासी के तौर पर विष्णुदेव साय को पार्टी का नेतृत्व सौंपे जाने के पीछे के जाति समीकरण ये हैं कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी ओबीसी वर्ग को दी गई है। छोटे से गांव के सरपंच से लेकर सांसद तक का सफर तय करने वाले विष्णुदेव साय इसके पहले 2006 से 2009 तक और फिर 2013 तक पार्टी की कमान संभालते रहे। 1999 से 2014 तक वे रायगढ़ से सांसद रहे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्र में मंत्री बनाए जाने के बाद उन्होंने संगठन पद से इस्तीफा दिया था। एक सौम्य, एक सरल, एक मिलनसार, उस दूरसंचल जसपुर के उस छोटे से गांव से चलकर सरपंच से लेकर सांसद तक, पार्लियामेंट तक, तो निश्चित रूप से ये हम सबके लिए गौरवशाली क्षण है। पिछले दो बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और सरकार बनी है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नई ऊर्जा, नई जोश के साथ में पुनः काम में लगेगी। विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद जब लोकसभा चुनाव का वक्त आया तो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने धर्मलाल कौशिक को हटाकर विक्रम उसेंडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लोकसभा चुनाव के नतीजे तो मोदी लहर में ठीक रहे, लेकिन नगरी निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी को फिर मुंह की खानी पड़ी। हालांकि विक्रम उसेंडी कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में प्रदेश में रिकॉर्ड सदस्यता अभियान चला। अपने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लोकसभा के चुनाव हुए, जल्दी से दो दिन बाद लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद संगठन की प्रक्रियाएं चलनी शुरू हुई। जुलाई से संगठन के लिए प्राथमिक सदस्य बनाने के अभियान शुरू हो गए, उसके बाद प्राथमिक के साथ सक्रिय सदस्य अभियान हो गए, सक्रिय सदस्य अभियान के बाद मंडलों के चुनाव शुरू हो गए, जिला के चुनाव होना शुरू हुए। इधर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष उनके लिए कोई चुनौती नहीं। कांग्रेस का आरोप है कि अंतर्कलह में डूबी भाजपा में नए और पुराने अध्यक्ष में कोई अंतर नहीं है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी गुटों में बटी है, अंतर्कलह के कारण परेशान है। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार के लिए कोई चुनौती नहीं है। हम जो भी होगा हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे। अंतर विरोधों के बाद बड़ी मुश्किल से तय कर पाए, और तय भी किए तो समझ लीजिए दोनों में जो थे और जो बने हैं उसमें समानता है, कोई अंतर है नहीं, इसलिए उनकी खुशफहमी को उनके पास ही रहने दीजिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जिस तरह काम कर रही है उससे भिड़ने के लिए भाजपा को और मुखर होने की जरूरत है, लेकिन 15 साल तक सत्ता का सुख देख चुकी भारतीय जनता पार्टी 1.5 साल में किसी जन मुद्दे पर सड़क पर उतरकर बड़ा संघर्ष करती नजर नहीं आई। जाहिर है तीसरी बार पार्टी की पगड़ी पहने विष्णुदेव साय के लिए संघर्ष और चुनौतियां कम नहीं होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।